हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे मार्केट सर्किट ब्रेकर्स, कौन कौन से सर्किट ब्रेकर्स होते हैं मार्केट के अंदर। अगर हम लोग इंडेक्सेस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या उनके स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं या डेरिवेटिव के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट्स के अंदर कुछ हॉल्ट्स होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के रिस्क को कवर अप करते हैं। यानी अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा घट जाए, तो मार्केट के अंदर सेबी ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हैं जिसके कारण से मार्केट कुछ देर के लिए हॉल्ट हो जाता है, यानी कुछ देर के लिए मार्केट रुक जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सर्किट ब्रेकर्स हैं, कैसे काम करते हैं और इन सर्किट ब्रेकर्स के बाद में हमें क्या मूव लेना चाहिए अगर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो क्या है। जो सर्किट ब्रेकर्स हैं ये सेबी के थ्रू ऑथोराइज सर्किट ब्रेकर्स हैं। 2001 के अंदर सर्कुलर आया था सेबी का, जिसके अंदर सेबी ने ये कहा था कि मार्केट के अंदर ऐसे हमें कुछ पॉइंट्स हमें डिसाइड करना होंगे कि अगर मार्केट 10% 20% या 15% के आसपास अगर बढ़ता घटता है तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हमें एक हॉल्ट देना चाहिए, क्योंकि मार्केट सडनली मूव करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम या बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। दैट मीन्स इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है। सो इसी चीज़ को मेन चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेबी ने कुछ सर्कुलर्स बनाए हैं। 2001 में ये सर्कुलर्स आए थे, लेकिन उसके बाद में 2013 के जो सेबी एक्ट है उसके अंदर इन सर्कुलर में कुछ अपडेशंस हुए हैं, जिसमें इन्होंने तीन मेन कैटेगरी के अंदर इन सर्किट्स को डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट वन जो सर्किट ब्रेकर है वो है 10% का, यानी अगर 10% मार्केट बढ़ जाता है या 10% मार्केट गिर जाता है तो मार्केट के अंदर जो इक्विटी मार्केट और इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट है उसके अंदर कुछ देर के लिए हॉल्ट किया जाता है। हॉल्ट यानी मार्केट को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, यानी उसमें पुरानी नई चीज़ों के लिए आप एंट्री नहीं ले सकते हैं, कुछ नए पुराने पेंडिंग्स ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, कोई नई एंट्री नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स आप मार्केट के अंदर कोई नई एंट्री नहीं लेकर प्रॉपरली आप सेफ रह सकते हैं। अगर मार्केट 10% बढ़ जाता है, इसका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग डिसाइडेड है। अगर मार्केट के अंदर 1 बजे से पहले, 1 बजे यानी लंच टाइम, ये सेशन होता है हाफ सेशन, और लंच के पहले यानी 1 बजे के पहले अगर मार्केट 10% बढ़ जाता है या 10% घट जाता है तो मार्केट के अंदर 45 मिनट का एक हॉल्ट आता है। 45 मिनट मार्केट कुछ देर के लिए रुक जाता है, और जब भी मार्केट ओपन होता है तो मार्केट प्रॉपरली नए तरीके से ओपन होता है, यानी मार्केट का वही प्री ओपन सेशन होगा और वही नॉर्मल सेशन होगा। 1 बजे के पहले मार्केट 45 मिनट के लिए हॉल्ट कर दिया जाता है और 15 मिनट का इसका एक प्री ओपन सेशन होता है। इस प्री ओपन सेशन के बाद में मार्केट पूरी तरीके से नॉर्मल हो सकता है अगर मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है तो। 10% मार्केट अगर बढ़ जाता है घट जाता है 1 बजे से लेकर तो 2:30 बजे तक, यानी आफ्टरनून सेशन में ही 1 से 2:30 बजे के बीच में अगर मार्केट बढ़ता घटता है तो 15 मिनट के लिए मार्केट को हॉल्ट कर दिया जाता है। यानी 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में मार्केट अगर 10% वापस बढ़ता और घटता है तो 15 मिनट के लिए मार्केट को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है, और इसी 15 मिनट के लिए जो प्री ओपन सेशन हो गया, यानी जब भी मार्केट ओपन होगा तो 15 मिनट का एक प्री ओपन सेशन होगा, यानी मार्केट नॉर्मल तरीके से जैसे मॉर्निंग में ओपन होता है वैसे ही मार्केट वो नॉर्मल 15 मिनट के अंतराल के बाद में वो प्री ओपन सेशन लेकर ओपन होता है। अगर 10% बढ़ जाता है घट जाता है मार्केट सेशन के बाद में तो कोई हॉल्ट नहीं होता है, जिसके कारण मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है वो नॉर्मली चलती रहती है। तो हम लोगों ने ये 10% का कैप देखा, इसी हिसाब से 15% का कुछ कैप होता है। 15% के अंदर जो है मार्केट जो है वो अगर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बजे से लेकर तो जो बिफोर 1 बजे का टाइम है, यानी बिफोर 1 PM, तो बिफोर 1 PM करीब 1 hour 45 minutes यानी 1 घंटा 45 मिनट के लिए मार्केट को रोक दिया जाता है। यानी 1 बजे से पहले अगर मार्केट जो है 10-15% बढ़ जाएगा या 15% गिर जाएगा तो 1 घंटा 45 मिनट मार्केट को रोक दिया जाता है, ये 1 बजे से पहले होता है। और अगर मार्केट के अंदर इसी का एक प्री ओपन सेशन की बात करें तो वही 15 मिनट का प्री ओपन सेशन है जो नॉर्मल मार्केट्स में होते हैं सेशन, वही 15 मिनट का एक प्री ओपन सेशन यानी नॉर्मल मार्केट उसी तरीके से ओपन होता है। ये रही बात 15% की। और अगर मार्केट जो है 1 बजे से 2 बजे के बीच में अगर मार्केट
15% बढ़ जाएगा या 15% घट जाएगा, तो 45 मिनट का एक हॉल्ट दिया जाता है, 45 मिनट का हॉल्ट दिया जाता है, और जो 15 मिनट का प्री ओपन सेशन है वही 15 मिनट का प्री ओपन सेशन रहता है जिसमें मार्केट नॉर्मल तरीके से ओपन होता है। अगर 2 बजे के बाद में अगर मार्केट जो है वो 15% बढ़ता है घटता है, तो कहीं ना कहीं पूरे दिन भर के लिए मार्केट जो है वो हॉल्ट कर दिया जाता है, पूरे दिन भर के लिए मार्केट जो है बंद कर दिया जाता है अगर 2 बजे के बाद में ये 15% बढ़े और घटे तो। इसके लिए प्री ओपन सेशन एप्लीकेबल नहीं है। एक थर्ड वन जो मार्केट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर, दैट इज द 20%, यानी 20% अगर कोई भी इंडेक्स जस्ट लाइक निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, अगर ये बढ़ते घटते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड बढ़ते हैं, तो इसके अंदर पूरी तरीके से मार्केट को हॉल्ट कर दिया जाता है, यानी मार्केट पूरी तरीके से रुक जाता है, क्योंकि 20% बहुत ज्यादा होता है किसी भी मार्केट का डिग्रेड या अपग्रेड होना, यानी इसके अंदर कोई ओपन पीरियड नहीं है। जब भी 20% मार्केट बढ़ेगा घटेगा तो पूरे दिन भर के लिए उसके अंदर ट्रेडिंग पूरी तरीके से रोक दी जाएगी। तो ये रहा आज का सर्किट ब्रेकर का टॉपिक। आई थिंक सो ये सर्किट ब्रेकर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी कोई बैड न्यूज आती है या फिर कोई बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज आती है तो मार्केट रिस्पॉन्ड करता है, और मार्केट रिस्पॉन्ड करता है तो इसमें आपके जो टारगेट या स्टॉप लॉस जो हो सकते हैं वो मिस हो सकते हैं या फिर आपको ह्यूज लॉस हो सकता है। सो हमेशा इस चीज को मेंटेन करें, आप अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट को हमेशा इंक्लूड करके रखें। जब भी ऐसी वर्स्ट सिचुएशन आती है तो मार्केट हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आज सर्किट ब्रेकर्स देखे, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और सर्किट ब्रेकर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशंस में कई बार हो सकता है आप लोगों को ये चीज देखने को मिले, क्योंकि इस साल हम लोगों ने 2 बार सर्किट्स देखे हैं इस इंडियन मार्केट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आगे चल के भी हो सकता है आपको सर्किट देखने को मिले। सो बी केयरफुल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट एंड बी सेफ। थैंक यू, गुड बाय।